हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल। कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है? प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को प्रम करने से होता है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को संपर्क में लाए जाने के लिए प्रस्तावना का सृजन आवश्यक होता है। अंत प्रस्तावना पढ़ाए जाने वाले पाठ की पृष्ठभूमि होती है। इसका उद्देश्य यह भी है कि विषय से संबंधित पूर्ण संचित ज्ञान को विधिपूर्वक स्पष्ट तथा निश्चित रूप से बालकों की वर्तमान चेतना स्तर में लाया जा सके। इसके लिए पूर्व ज्ञान को दोहराना तथा नवीन ज्ञान के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना आवश्यक है। प्रस्तावना कौशल किसी भी प्रकरण को पढ़ाने हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला वह कौशल है जिसके द्वारा अध्यापक छात्रों को पढ़ाए जाने वाली पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। प्रस्तावना कौशल विषय वस्तु को आकर्षक और प्रभावशाली प्रकार से छात्रों के मध्य प्रस्तुत करने का आधार है। प्रस्तावना अनेक प्रकार से की जा सकती है, जैसे चित्र बनाकर तथा दिखाकर, कहानी के माध्यम से, श्याम पट की सहायता इत्यादि के द्वारा। प्रस्तावना का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना आवश्यक है। ये सभी प्रस्तावना कौशल होती क्या है। इसके बाद हमारा आ जाता है पहली प्रस्तावना पाठ योजना। सबसे पहले डालेंगे हम कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, छात्र, अध्यापिका नाम, दिनांक, वादन, क्लास। कक्षा जो भी है 6th, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, छात्र अध्यापिका नाम जो भी है, दिनांक, वादन। पहला जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं वादन। कलांस मतलब समय, कितने मिनट का ये स्किल है उसको लिखते हैं 6 मिनट। उसके बाद आ जाता है प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य। विद्यार्थियों के पूर्व पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को चेतना स्तर तक लाना। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। चौथा है प्रश्न पूछने का तार्किक क्रम बनाए रखना। पांचवा है विद्यार्थियों का प्रकरण के प्रति ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रस्तावना कौशल के घटक। पहला घटक है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दूसरा है विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा घटक है प्रश्नों में निरंतरता और समन्वय स्थापित करना। चौथा है विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को नए ज्ञान से जोड़ना। पांचवा हमारा समस्यात्मक प्रश्न है घटक। उसके बाद हमारे प्रस्तावना क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आ जाते हैं। जैसे पहला हम ऐसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, पहले प्रश्न संख्या, उसके बाद छात्र अध्यापिका की किराएँ, फिर छात्र किराएँ, फिर सहायक सामग्री, उसके बाद आ जाते हैं हमारे घटक। पहला क्वेश्चन होगा हमारे भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। छात्र उत्तर देंगे भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। सहायक सामग्री प्रश्नोत्तर विधि कर रहे हैं हम। घटक हमारे यहाँ पर पहला यूज हुआ है पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछ रहे हैं। दूसरा है क्या आप कभी गाँव गए हो। छात्र उत्तर देंगे हाँ जी, अब हम सब छुट्टियों में अपने गाँव जाते हैं। यहाँ पर हमने पूर्व ज्ञान से आधारित क्वेश्चन पूछा है। तो पहला घटक और दूसरा घटक है विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करी है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या पूछने वाले हैं, इसलिए रुचि, इसलिए हमने दूसरा घटक यूज़ करा है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, आपने लोगों को गाँव में क्या क्या कार्य करते देखा है। छात्र उत्तर देंगे खेती काटते, घास काटते, पानी लाते, बकरी चराते आदि देखा है। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा घटक यूज हो रहा है। दूसरा घटक जो कि हमारा है विद्यार्थी में शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा घटक है प्रश्नों में निरंतरता और संबंध स्थापित करना। हमारा इनके साथ संबंध हो रहा है, जैसे हमने गाँव की बात करी तो गाँव के कार्य पूछ लिए तो संबंध स्थापित हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर को नए ज्ञान से जोड़ना। हम जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर गाँव आए तो गाँव को यहाँ पूछ ले गाँव गए तो क्या करते, इसलिए हम जोड़ते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे चौथा घटक यूज़ हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे लोगों द्वारा इन कार्यों को करने का क्या उद्देश्य है। तो छात्रों को आएगा नहीं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पर चौथा और पांचवा
घटक यूज़ हो रहा है, चौथा घटक जो कि है कि नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं हम, और पांचवा जो कि हमारा घटक है समस्यात्मक प्रश्न, तो उन्हें आता नहीं इसलिए हमने पांचवा घटक यूज़ करा। उसके बाद आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है हमारा, आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के विषय उप विषय नागरिक शास्त्र के प्राकरण ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हमारा लेसन प्लान बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अवलोकन सारणी। पहले आते हैं क्रम संख्या, दूसरा घटक, तीसरा नियमन, चौथा संतोष, पांचवा अच्छा, बहुत अच्छा, उसके बाद उत्तम। उसके बाद हम घटक में लिखेंगे पहला घटक जो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न, दूसरा है शिक्षण के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, तीसरा है प्रश्नों में निरंतरता और संबंध, चौथा है नए ज्ञान से जोड़ना, पांचवा है समस्यात्मक प्रश्न। ये घटक अब हम टीचर को जब लेसन प्लान दिखाएंगे तो टीचर डिसाइड करेगी कि हमने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये घटक ये जो ये फील टीचर करेगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सुझाव। उसके बाद आ जाएगा सुझाव। सुझाव में क्या होगा, सुझाव में जो टीचर हमें सुझाव देगी हमने वहाँ यहाँ पे वो सुझाव लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जो आपको आगे आने वाली जो वीडियो मिलती रहें।